हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आरोग्यम परिसर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी 13 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक होने वाले 23वें झारखंड स्टेट बास्केटबॉल जूनियर चैंपियनशिप की विस्तृत जानकारी हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एहसानुल हक ने पत्रकारों से साझा किया। उन्होंने बताया कि आगामी 23वें जूनियर झारखंड स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय के बास्केटबॉल कोर्ट में संपन्न किया जाएगा, जिसे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन, बास्केटबॉल एसोसिएशन के अधिकृत सभी पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से किया जा चुका है। इसके ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हजारीबाग ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा, ऑर्गेनाइजिंग सचिव हजारीबाग बास्केटबॉल अध्यक्ष डॉक्टर एहसानुल हक एवं संयोजक के रूप में हजारीबाग बास्केटबॉल के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव सी दास तथा कोषाध्यक्ष सौरभ कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर एहसानुल हक ने प्रेस वार्ता में आगे बताया कि जहां संत कोलंबा महाविद्यालय के बास्केटबॉल कोर्ट ग्राउंड में चैंपियनशिप का भव्य आगाज 13 जनवरी को होगा, वहीं एक दिन पूर्व 12 जनवरी की संध्या वेला में खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों का रोड मार्च हजारीबाग में निकाला जाएगा। चैंपियनशिप के उद्घाटन का समारोह भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरू होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच जेपी सिंह, ओलंपियन हरभजन सिंह सहित कई दिग्गज हस्तियां मौजूद होंगे। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए हर्ष अजमेरा ने कहा कि हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन अवश्य ही खेल जगत में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। खिलाड़ियों के अनुशासित खेल कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे झारखंड प्रदेश का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन होगा। उन्होंने कहा कि वह अपना भरपूर सहयोग हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन को देते रहेंगे। उन्होंने हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस संगठन के मेहनत का ही परिणाम है कि 23वें जूनियर झारखंड स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हजारीबाग की धरती पर संभव होना तय हो पाया है। इस अवसर पर बास्केटबॉल के टेक्निकल हेड आदर्श कुमार, उत्कर्ष कुमार, विश्वजीत, विशाल, निधि, कुमकुम एवं काजल सहित कई अन्य उपस्थित थे। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। बास्केटबॉल एसोसिएशन 23rd झारखंड बास्केटबॉल चैंपियनशिप करवाने जा रहा है 13 से 15 जनवरी सन कोलंबस बास्केटबॉल कोर्ट में। ये स्टेट चैंपियनशिप होने जा रहा है, जिसमें अभी तक 15 से 17 टीम्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ एक दिन का टाइम बचा हुआ है, एक दिन बाद सारी टीमों का रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा और ये टूर्नामेंट यहाँ होने जा रहा है। कहाँ पर होगा स्थान? सेंट कोलंबस के बास्केटबॉल ग्राउंड में। लगभग कितने टीम भाग लेंगे? ऑलमोस्ट अभी तक 15 से 17 टीमों ने रजिस्टर कर रखा है, एक दिन और बचा हुआ है, तो उम्मीद है फाइनल रिजल्ट जी। बहुत ही अच्छी बात है कि हजारीबाग में पहली बार इस तरह का स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जूनियर्स का होने जा रहा है। और खास बात यह है कि हमारे मेंटर्स ने, हमारे कोचेस ने, एसोसिएशन के एक एक पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया है और उम्मीद है एक मेगा इवेंट होगा जहां बच्चे सिलेक्शन के बाद नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। कितने दिन का इवेंट है ये? क्या कुछ परिचय हुआ सर जी? मैं डॉक्टर एहसानुल हक, प्रेसिडेंट हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई जी? हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल कोच मिस्टर जेपी सिंह और हरभजन सिंह भी आ रहे हैं, जो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। कितने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, क्या विषय था? विषय देखिए, 23वां अंतर स्टेट लेवल मैच होने जा रहा है बास्केटबॉल जूनियर टूर्नामेंट, जो कि इस बार राज्य स्तर में हजारीबाग को चुना गया और हजारीबाग में पूरा 17 टीमें राज्य से 24 जिलों में 17 टीमें यहां पर भाग लेने आ रही है हर जिलों से। तो ये एक बहुत अच्छा हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि दोनों बच्चे में, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का यहां मैच होगा और जो टीम यहां पर सर्वश्रेष्ठ करके निकलेगी वो डायरेक्ट स्टेट लेवल से नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो जाती है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हजारीबाग में अपने अपने लोगों को देखने का, अपने प्लेयर्स को भी देखने का मौका मिलेगा क्योंकि इतने अच्छे खेल। इसमें पूरे झारखंड के जो पार्टिसिपेंट है वो भाग लेंगे? झारखंड लेवल पे सब सारे जिलों से लोग आ रहे हैं, जैसे कि धनबाद से, जमशेदपुर से, रांची से, बोकारो से, सब जिलों से टीम यहाँ आएगी।
तीन दिवसीय मैच होने वाला है, नॉकआउट मैच होगा जो टीम। तारीख क्या होगा? 13, 14 और 15 जनवरी। पूरा परिचय आप बता दें। मैं हर्ष, मेरा हजारीबाग ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष। आप खेलों के बारे, बढ़ावा देने के बारे बहुत कुछ जानते हैं, और फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सभी के बारे। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हर्षित टीवी एक विशेष रिपोर्ट लेकर के आई है। हजारीबाग में बास्केटबॉल के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो इसमें हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप लोग, कैसा लगता है बास्केट खेलने से? बास्केटबॉल ज़्यादातर यहाँ लड़कियों का पैशन है, वो स्कूल टाइम से खेल रही हैं, और अभी हम रिसेंटली ये लोग सीनियर स्टेट खेल के आई हैं ज़्यादातर गर्ल्स, और अभी ये जूनियर मैच होने वाला है और रेगुलर प्रैक्टिस में है, तो फिर हजारीबाग गर्ल्स टीम का परफॉर्मेंस अभी काफ़ी अच्छा है। ये जो हो रहा है, कितने दिन से आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? ये ट्रायल तो कुछ दिन पहले हुआ, ये लाठी टीम के लिए प्रैक्टिस, लेकिन रेगुलर है। आप लोग कहाँ से आए? हम सारे हजारीबाग के। क्या नाम हुआ? मेरा शालिनी देव, और मैं ये गर्ल्स टीम की मैनेजर हूँ। आप लोग? मेरा नाम कुमारी है, और हम लोग की ट्रायल 30 तारीख हुई थी, और फिर भी उससे पहले से भी हम लोग की प्रैक्टिस चल रही थी, मतलब 15 दिसंबर से हम लोग की प्रैक्टिस चल रही थी। तो अभी जो हो रहा है 3 दिवसीय, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? क्या बहुत एक्साइटेड है खेलने के लिए। क्या नाम हुआ? अब वाइस से बात करते हैं। यहाँ बास्केटबॉल का जो फंक्शन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसको क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी का है, और हमें बहुत कम चांस मिलते हैं ये सब, और हमारे जो सीनियर्स भैया कोच जो क्या, हम हमारे प्रति बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये जो है जो स्टेट होने वाली है 13, 14, 15 होने वाली है, यहाँ पे जो जीतेंगे उनमें से कुछ के सिलेक्शन होंगे नेशनल्स के लिए, और ये टीम रिप्रेजेंट करी जाएगी नेशनल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और पूरे झारखंड के लोग आ रहे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी टीम कहाँ से? हमारी टीम सब हजारीबाग के लोकल्स हैं, स्कूल्स के हैं, और एक दो छोटा कॉलेज है 11th-12th। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित सिंह है। अनुराज पटेल। बहुत सारे लोग हैं और तैयारी कर रहे हैं, अपनी बात इन्होंने रखी। आप देख रहे हैं आवाज़ दिल्ली हर सिटी से, हजारीबाग से मैं प्रदीप पाटिल।